चलिए तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, एक बात बता दें आपको कि डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें आप सीखिए जो मतलब आपके क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे ना बनाने के लिए, तो आपको एक ऐसा टूल हम बताने जा रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा क्वेश्चंस को बनाने में। फास्ट मतलब फास्ट बनाइएगा आप, तेज़ी से क्वेश्चन बनाइएगा, समय कम लगेगा आपको। वो क्या तरीका है इसको ज़रा ऑब्जर्व करिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को लोकेट करके हम आपको पूछते हैं कि इसको लोकेट करके बताइए कि ये कैसे होंगे। एग्जैक्ट लोकेट करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट ए दिए 2.4 और एक बी पॉइंट दिया आपको, आपको दे दिया हम मान लो 2.8 ऐसे दे दिए, है ना। इसको लोकेट करके ज़रा हम पूछें कि आप दिखाइए ज़रा, तो आप कहिएगा कि सर x में दो चलना है तो एक यूनिट दो यूनिट लगभग आप बराबर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दो यूनिट चले और y का एंट्री, ये पता है ना कि पहला एंट्री x होता है दूसरा एंट्री y होता है, तो y में चार चलना है तो 1, 2, 3, 4, है ना। इसको आप 5 ही कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, हम बड़ा बनाए नहीं हैं, बस ये 5 कर लीजिए। तो 2.4 है ना, 2.4 या 3 कर लीजिए इसको पहले, है ना, 2.3 कर लीजिए, इसको 2.5 कर लीजिए। तो दो चले और तीन चलना है तो 1, 2, 3, क्योंकि y में पॉजिटिव चलना है, तो आप यहाँ पे रहिएगा कुछ, है ना, यहाँ पे कुछ आप रहिएगा, इस कोऑर्डिनेट का नाम 2.3 होगा। अब हम बोलेंगे कि x में दो ही चलना है आपको लेकिन y में 5 चलना है, तो आप x में, ये x का डायरेक्शन है, दो से अधिक नहीं जा सकते हैं, और y में 5 चलना है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ 5 कहीं। तो ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए आप कि आपके साथ हुआ क्या, 2.3 और ये 2.5, क्या यहाँ का क्या नहीं बदला, अगर यहाँ से यहाँ गए तो क्या नहीं बदला और क्या बदल गया। तो आप देखे होंगे कि x नहीं बदला और y बदल गया। तो x नहीं बदला तो हुआ क्या कि इस लाइन पे कहीं भी आप चले जाइए उसका y कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा, क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप ऊपर नीचे तो हो रहे हैं लेकिन लेफ्ट राइट वाला डायरेक्शन आप नहीं बदल रहे हैं। एक बार अगर राइट में आप इस पे चले गए तो यहीं पे रहेंगे। मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट हम पूछना चाहें कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये 2.4 कह सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का नाम हम 4 लिखे थे, ये 3, ये 2, ये 1, ये 5, तो फिर 2 नहीं बदला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं तो उसका क्या नहीं बदलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं तो ऊपर नीचे चल रहे हैं आप, है ना। पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस हैं तो ऊपर नीचे चल रहे हैं आप, तो एक्स तो नहीं बदलेगा ना, एक्स तो फिक्स हो गया राइट वाला डिस्टेंस पैरेलल टू, है ना, वाई एक्सिस है तो। लेकिन ऊपर नीचे से वाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, घट भी रहा है ना, बिल्कुल। तो अगर हम पूछे कि यह डिस्टेंस कितना हुआ, तो आपको क्या करना होगा कि y वाला डिस्टेंस से बस काम चलाना होगा कि भैया ये ओरिजिन से यहाँ तक तो 5 था और ओरिजिन से यहाँ तक तो 3 था, तो 5 माइनस 2। क्या हमने x कोऑर्डिनेट का यूज किया डिस्टेंस निकालते समय, यदि पैरेलल टू y एक्सिस मेरा ग्राफ रहा, y एक्सिस के अगर ये पैरेलल रहा तो ये डिस्टेंस बताने के लिए यहाँ से ये हम पता चला कि 5 था और यहाँ से ये पता चला 3 था, तो 5 में से 2 घटा 2 था तो 5 में से 2 घटा दिए, क्या आ गया 3, ठीक है। अब जरा और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3.8 है ना, और एक लेते हैं 3.6, ये लेते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। 1, 2, 3 ये हुआ, है ना, 1, 2, 3 और 8 चलना है y में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा आपका, है ना, 3.8 और एक कोऑर्डिनेट है 3.6, तो x में तो आप 3 ही चलोगे, y में 6 यूनिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे कुछ रहोगे आप। अब भी यहाँ देखो 3.6, अगर ये डिस्टेंस निकालने की बात करें तो आपको पता होगा कि ओरिजिन से आप पहले 8 चले हैं, ओरिजिन से यहाँ पे आप 6 चले हैं,
तो निश्चित रूप से यह डिस्टेंस 8 माइनस 6 यानी कि 2 यूनिट हुआ होगा, इसके बीच का डिस्टेंस। क्या x का यूज हुआ, क्या x कोऑर्डिनेट का यूज हुआ? बिल्कुल यूज नहीं हुआ। यानी कि अगर y एक्सिस के पैरेलल हमारा इक्वेशन रहा, y एक्सिस के पैरेलल अगर हमारा, हाँ जी, तो ये तो समझ गए कि अगर y एक्सिस के पैरेलल रहा तो x कोऑर्डिनेट का कोई यूज नहीं होता है डिस्टेंस निकालते समय। बड़े वाला y में से छोटे वाला y को आप घटा दीजिए। उसी तरह से ये भी एक पॉइंट समझ लीजिए कि क्या नहीं बदलता है इस पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है। यहाँ भी रहिएगा आप तो x कोऑर्डिनेट आपका 3 ही रहेगा, क्योंकि राइट का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, ऊपर नीचे का डिस्टेंस बदल रहा है ना। ये क्या, ये बताने का लॉजिक क्या है कि बस आप ये समझिए कि अगर हमको लेफ्ट राइट वाला डिस्टेंस, चलिए इसको भी समझ लीजिए तब जाके आपको समझाएंगे कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर मान लीजिए एक ए पॉइंट 2.6 है और एक बी पॉइंट मान लीजिए आपका 7.6 है, इसको ज़रा बना के देखिए कि हुआ क्या, हमने क्या नहीं बदला है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदला है, एक्स को बदल दिया। तो एक्स में चलना है 1, 2, लेकिन वाई में चलना है 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 6 यूनिट चले। ये कुछ ज़्यादा ले लिया, हम कम ले लेते हैं, 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, ठीक है, 2 ले लिए ये और 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ यहाँ पे, तो ये हो गया 2.6। अब हमको बी कोऑर्डिनेट चलना है 7.6, तो एक्स में 7 चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्स तो बदलेगा, लेकिन वाई का देखो, वाई का यूनिट आप फिक्स कर दियो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये वाई का डिस्टेंस नहीं बदल सकता है, वाई उतना ही लेना है। तो आप जो है यहीं पे रहोगे, माने इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहोगे, तो ये 7.6 अभी क्या नहीं बदला, तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदला क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब जो है अगर हमको डिस्टेंस निकालने की बात करें, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस, तो उसमें अगर आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो वाई का कोई यूज नहीं होगा। यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो डिस्टेंस निकालते समय, लेफ्ट राइट का मतलब एक्स, लेफ्ट राइट का मतलब एक्स की कहानी हो रही है, एक्स एक्सिस की कहानी हो रही है, और ऊपर नीचे का मतलब वाई की कहानी हो रही है। तो डिस्टेंस निकालते समय अगर आप लेफ्ट राइट यूज कर रहे हैं तो एक्स का ही यूज होगा। तो ओरिजिन से आप यहाँ तक थे 7, ओरिजिन से यहाँ तक थे आप 2, इसका मतलब आप 5 यूनिट हैं, ये माने इसके बीच का डिस्टेंस 5 है। कैसे, तो 7 माइनस 2, बाद वाले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो दूर वाला कोऑर्डिनेट है उसमें से उसके पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट को घटा देंगे, 7 में से 2 हो गया। क्या वाई का यूज हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हम समझाना चाह रहे थे कि अगर आप, बस यही समझाना चाह रहे थे कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं तो आपको इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट में से इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो मान लीजिए आपका ये कोऑर्डिनेट x1, y1 है और ये कोऑर्डिनेट जो है x2, y1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइट नहीं बदल सकता है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x2 - x1, क्योंकि ओरिजिन यहाँ है, ठीक है। और यही डिस्टेंस अगर ऊपर नीचे की बात किया जाए कुछ इस तरह से, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए x1, y1 है, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट नहीं बदल सकता है, ये फिक्स हो गया, ये y2 होगा। तो अब ये डिस्टेंस की अगर बात किया जाए, तो ओरिजिन यहाँ है तो दूर y1 होगा, तो ये डिस्टेंस y1 - y2 होगा, ठीक है ना। अब आते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। अब देखना कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये जो थ्योरी अभी बताएं, सोचने का ये कितना मज़ेदार यूज होता है, बहुत मज़ेदार यूज होता है, फटाफट आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक हथियार हो गया कि अगर आपको ऊपर नीचे डिस्टेंस निकालना है तो एक्स का कोई यूज नहीं है, उसके वाई कोऑर्डिनेट में से दूसरे का वाई कोऑर्डिनेट घटा दो, उसके वाई कोऑर्डिनेट में से दूसरे के वाई कोऑर्डिनेट को घटा दो, यदि